करते हुए हम 10 टाइम अपना नेम प्रिंट करेंगे। सेम क्वेश्चन एंड डिफरेंट स्टेटमेंट, फर्स्ट वन फॉर नेक्स्ट लूप एंड देन सेकंड स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपना नेम प्रिंट करेंगे। लेट स्टार्ट प्रैक्टिकल नंबर 1B। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रैक्टिकल नंबर 1B कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं आपको बता दूं, GW बेसिक, PC बेसिक, अदरवाइज़ टर्बो सी में एरो पॉइंटर यूज़ नहीं होता। एरो कीज़ की हेल्प से आप फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, टॉप एंड में मूव करते हैं। फर्स्ट वन, 10 रैम प्रोग्राम टू प्रिंट नेम 10 टाइम यूजिंग इफ देन स्टेटमेंट। इट्स मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं जिसमें हमें अपना नेम 10 टाइम प्रिंट करना है इफ देन स्टेटमेंट यूज़ करते हुए। 20 CLS प्रीवियस जितनी कोडिंग है टेक्स्ट से वो रिमूव हो जाए। 30 इनपुट इंटर योर नेम कॉलम। इट्स मीन हमें अपना नेम इनपुट करना है, इनपुट के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेम, टैक्स, कोड, काउंटर, नंबर्स, एनीथिंग एल्स, आप इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सेमी कॉलम मीन्स क्वेश्चन मार्क, एन मीन्स नेम, एन डॉलर मीन्स इनपुट स्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन। 40 CLS इट्स मीन प्रीवियस एनी हेडिंग, कोई भी हेडिंग हो वो रिमूव हो जाए। 50 प्रिंट, कोई भी टैक्स, नंबर, पैराग्राफ, लाइन अगर आपको प्रिंट करनी है तो प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं। टैब 30, लेफ्ट अलाइनमेंट से, लेफ्ट से आप कितना डिस्टेंस जाते हैं हम उसके लिए टैब यूज़ करते हैं। 40 करेंगे, 40 में स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगा। 30 में आपके पास ये स्पेसिफिक कोड है, 30 में आपका प्रिंट जो है सेंटर अलाइनमेंट में परफॉर्म होगा। प्रोग्राम टू प्रिंट नेम 10 टाइम्स। 60 प्रिंट टैब 30 डिज़ाइनिंग, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हम जो कन्वेंशन है बुक, अकॉर्डिंग टू बुक हम वो डिज़ाइनिंग यूज़ करते हैं। 70 प्रिंट कॉलम प्रिंट, इट्स मीन आफ्टर टू हेडिंग्स ब्लैंक लाइन का स्पेस आ जाए। 80 ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, इट्स मीन नंबर में
नंबर प्रिंट हो, और जैसे ही नंबर प्रिंट हो देन उसके बाद वन लाइन इंक्रीज हो जाए, वन लाइन ऐड हो जाए, वन लाइन ऐड होने के बाद अगेन नंबर प्रिंट हो, नंबर प्रिंट होने के साथ साथ जो नए नेम हमने दिया है वो नेम नंबर के साथ प्रिंट हो जाए। प्रिंट टैब 30 सेमी कॉलम ASPC 5 एंड डॉलर, प्रिंट कर दें आप 30 का स्पेस देके, ए ए में जो भी नंबर है वो नंबर प्रिंट कर दें, और नंबर के साथ साथ 5 का स्पेस देके एंड डॉलर, इट्स मीन डॉलर में जो भी नाम है वो नाम प्रिंट कर दें। 100 इफ ए इक्वल्स टू 10 देन गो टू 1110 एल्स 80, इट्स मीन ए इक्वल्स टू, इफ ए इक्वल्स टू 10 इसका मतलब ये है कि अगर 10 अगर ए 10 के इक्वल है, नंबर और टैक्स 10 के इक्वल आ जाता है तो आप गो टू 1110 1110 की कोडिंग पे चले जाएं और वहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है वो टास्क परफॉर्म करें। 1110 पे कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम को आप एंड कर दें, इट्स मीन कि आप 1110 पे जाके इस प्रोग्राम को एंड कर दें। एल्स 80 अदरवाइज, अगर 10 के इक्वल नंबर नहीं आया है, टैक्स नहीं आया है, इट्स मीन आप अगेन 80 पर चले जाएं, ये 80 पर आ जाएगा, अगेन ये प्रोग्राम परफॉर्म होगा और 1 से लेके 10 तक काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी, टैक्स भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही 10 के इक्वल नंबर आएगा, नंबर आएंगे, टैक्स आएंगे, देन ये ऑटोमेटिक एंड पे चला जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नाउ अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट के लिए हमें F2 प्रेस करेंगे, और अदरवाइज़ अगर आप लिखना चाहें तो F2 के लिए रन की कमांड यूज़ होती है। मैं डायरेक्ट F2 प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने F2 डायरेक्ट प्रेस कर दिया। यहाँ अपना नेम लिखेंगे इमरान, ये देखें इंटर यूर नेम, और प्रीवियस जितनी कोडिंग थी वो सब उसने रिमूव कर दी। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये ऑटोमेटिक हेडिंग रिमूव हो जाएगी, और हेडिंग रिमूव होने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट प्रिंट के लिए टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है वो टास्क जो है परफॉर्म हो जाएगा। ये देखें प्रिंट हेडिंग डिजाइनिंग प्रिंट कॉलम प्रिंट, इट्स मीन वन लाइन ब्लैंक स्पेस आ जाए, देन 1 to 10 स्पेस इमरान 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 और देन 10। इफ ए इक्वल्स टू 10 अगर ए इक्वल्स टू 10 के अगर नंबर 10 के इक्वल आ जाता है, काउंटिंग 10 के इक्वल आ जाती है, तो देन आप जो है प्रोग्राम को एंड कर दें, ये प्रोग्राम आपका एंड हो गया है। लिस्ट के लिए F1 प्रेस करेंगे, ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। नाउ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1B कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ आपको खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।